नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट डिटेल बताएंगे वैकेंसी के बारे में, सब कुछ ठीक है। और सबसे पहले चलिए हम बात करें एज की, क्योंकि एज मेन इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे, अगर आपको पता चला बाद में एज हमारी है नहीं, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको एज लिमिट बता दूं, 18 से लेकर 25 साल तक जनरल कैटेगरी की, प्लस एज का जो रिलैक्सेशन है एससी एसटी और ओबीसी को मिलता है वो सेंटर के अकॉर्डिंग मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th पास आपकी होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी भी हो। फॉर्म ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा आगे बात करेंगे, और इसके जो लास्ट डेट है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो हम बात करेंगे अपनी जो है कि कौन कौन से कमांड यूनिट में इसकी जो वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए फर्स्ट हम कमांड यूनिट की बात करें, देन आपको उसके बारे में आगे बताते हैं। तो फर्स्ट कमांड यूनिट की बात की जो वेस्टर्न एयर कमांड यूनिट की बात की जाए तो 362 वहाँ पर आपकी जो टोटल वैकेंसी है। साउथर्न एयर कमांड यूनिट की बात की है 28 पोस्ट टोटल हैं। ईस्टर्न एयर कमांड यूनिट की बात की है 132 टोटल वहाँ पे पोस्टेस है। सेंट्रल एयर कमांड की बात की है 160 वहाँ पे वैकेंसी है। मेंटेनेंस कमांड यूनिट की अगर बात की है 479 और वहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। वहीं ट्रेनिंग कमांड यूनिट की बात की जाए 407 जो आपकी वहाँ पर टोटल पोस्टेस है। ऑल अगर टोटल पोस्टेस की बात की जाए तो 1524 समथिंग इतनी आपकी जो टोटल वैकेंसी से निकलती है अलग अलग कमांड यूनिट्स में, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, आगे वैकेंसी सॉरी आगे हम बात करने जा रहे हैं कि जो आपकी कौन कौन सी पोस्ट किस पोस्ट के लिए जो आपसे वैकेंसी मांगी गई है, ठीक है। वैकेंसी तो आपको मैंने बता दिया, पोस्ट कौन सी है तो चलिए पोस्ट देख लेते हैं। सबसे जो पोस्ट है ग्रुप सी के लिए पोस्ट से है स्टेनोग्राफर, सुपरिटेंडेंट की, कुक, हाउसकीपिंग स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिविजनल क्लर्क, CSN, SMW, कारपेंटर, लॉन्ड्री मैन, हिंदी टाइपिस्ट एंड अदर। इन वैकेंसी को आपको देख के पता चल गया होगा कि इसमें जो कुछ वैकेंसीज हैं, मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूं कि कुछ वैकेंसी जो होगी वो होगी आपकी एक्सपीरियंस बेस, ठीक है। ऐसे आप सभी को पता है, पोस्टेस आपको देख के पता चल ही गया होगा, ठीक है। लेकिन कुछ इसमें वैकेंसी है जो आपसे एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है, ठीक है दोस्तों। कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कुछ मैं फिर से बता दूँ, एक्सपीरियंस बेस है कुछ नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस के बगैर भी है। तो कौन कौन से डिवीज़न में जो आपको मैंने पीछे बता दिया, अब उसका जो पोस्टल एड्रेस और पोस्ट फॉर्म आपका जो होगा वो ऑफलाइन मोड से लगेगा, इसलिए इसका पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप सबसे फर्स्ट जो है आपकी न्यू दिल्ली के लिए है, ठीक है। सेकंड श्रीनगर, जो आपके एयर कमांड यूनिट श्रीनगर की पोस्ट हैं, ठीक है। श्रीनगर में जो J&K की पोस्टेंस हैं वो हैं कुक, हिंदी टाइपिस्ट, हाउसकीपिंग के लिए, मल्टीटास्किंग, मैस स्टाफ के लिए, ठीक है। वहीं अलग अलग यूनिट्स की हर एक का एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। आप अदर कमांड में भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, आपकी चॉइस है। अगर आप श्रीनगर में करना चाहते हो श्रीनगर में कर सकते हो, आप दिल्ली में चाहो तो दिल्ली में कर सकते हो। ऐसी कोई नहीं है कि आप अगर J&K से हो आप वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, या आप दिल्ली से हो और आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। हर जगह आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते, कमांडिंग यूनिट वो जैसे हैज आपको मिलेगा वहाँ पर नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में आप जाओगे वहाँ पे आपको कंप्लीट इसका प्रोसेस हर एक चीज़ मिल जाएगी, वहाँ पे ही आपको इसका फॉर्म मिलेगा और वहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और वो फॉर्म फिल करके आपको ऑफलाइन सेंड करना पड़ेगा, ये उसके एड्रेसेस हैं, ठीक है सभी के। सिलेक्शन कैसे होगी आपकी, तो आपकी सिलेक्शन होगी रिटर्न बेस पे, ठीक है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे आपके फॉर्म की वेरीफाई किए जाएंगे कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, देन उसके बाद आपको है लेटर सेंड किए जाएंगे, फिर आपको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा, आपका जो रिटर्न होगा, ठीक है। जो जो आप वैकेंसी जो जो पोस्ट आप भरोगे उसी अकॉर्डिंग फिर आपका रिटर्न लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अप्लाई जैसे मैंने पीछे आपको बता दिया ऑफलाइन मोड है, फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। फॉर्म डाउनलोड करोगे तो पूरा फॉर्म फिल करके सबसे इंपॉर्टेंट आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, टेस्टेड करवाने की आपकी टेंशन ख़त्म की मैं वहाँ पे आके टेस्ट करूँगा या वहाँ पे करूँगा। सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं जितने भी हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल फॉर्म को डाउनलोड करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हो, और नोटिफिकेशन भी आपको फॉर्म मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इजिली इसको डाउनलोड करके फॉर्म को पूरा फिल कर लेना, सब कुछ डिटेल भर के इनवेल्प लगा के इनवेल्प पे बाहर आपको एड्रेस फिल देना। लास्ट डेट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, 2 मई 2021 को इसकी लास्ट डेट है अप्लाई की, ठीक है। इससे पहले पहले आपको अप्लाई कर लेना है दोस्तों,
लेट नहीं करना, फॉर्म ऑफलाइन मोड है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए फॉर्म को जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर लेना। जय हिंद।